दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन केस अगर आप बीसीए करने जा रहे हो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कुछ इन पॉइंट्स को अपने माइंड में जरूर रखना जाने से पहले। जो मैं बताने वाला हूँ ये पॉइंट्स अगर आपके अंदर नहीं हैं तो फिर आप बीसीए मत करो, कोई और कोर्स करो। तो मैं बता दूँ जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो मैं ये तो नहीं बोलूँगा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए या बहुत अच्छा होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपका कम्युनिकेशन 50% या ऑन एन एवरेज आपका 50% कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आप बीसीए में एडमिशन लो। क्योंकि इन द लास्ट जब आप बीसीए से बाहर निकलते हो ना, जब ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलते हो, तो आपका 90% चांस होता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि सबसे पहले वो आपका कम्युनिकेशन देखते हैं, ये नहीं कि वो स्टार्टिंग से ही 100% देखते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो कुछ वो लूज भी करते हैं, कुछ कम देखते हैं, बट एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए। एटलीस्ट आप कंपनीज के जो यूजर्स हैं या कंपनीज के जो कस्टमर हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, उनका काम आप हैंडल कर पाओ। इसमें पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, डॉट नेट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, इस तरीके की अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, तो ही आप बीसीए करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आईटी फील्ड है या वो बीसीए है, उसको करके अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी या बहुत पैसा उसमें मिलेगा, एज ए डेवलपर काम करूँगा या एज ए सिक्योरिटी काम करूँगा। तो दोस्तों होता है, ये डेफिनेटली सही बात है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अच्छी खासी सैलरी और अच्छा खासा पैसा भी आपको मिलता है। आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब एक ये बूमिंग करियर है अगर आप आईटी में करते हो। बट उसके पहले आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको जावा डेवलपर बनना है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना, तो हर एक चीज़ में उसमें एक अलग ही कोडिंग है, एक अलग ही उसके रूल्स होते हैं, तो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप बीसीए कहीं से कर रहे हो तो एक थोड़ा सा अच्छे कॉलेज से कर लो, एक थोड़ा सा अच्छे कॉलेज से कर लो जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल सके। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं कर सकते हो या रूरल एरिया से कर सकते हो, तो फिर आप सिर्फ वहाँ पे एडमिशन कराओ, आप डिग्री लो, और इन बिटवीन डिग्री के टाइम, जैसे आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, अगर आप डिग्री उसी डिग्री के टाइम में आप किसी बड़ी हाईटेक सिटी में जाते हो और वहाँ पे आप क्या जैसे कि कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करो, अगर आपको जावा में जाना है तो जावा कोडिंग सीखो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप सीखते रहो प्रॉपर। जब तक आपका बीसीए कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन के बाद, आपके पास एक अच्छी खासी स्किल हो जाएगी, तो फिर करो। ये दो ऑप्शन है, या तो आप एक अच्छे से कॉलेज से कर लो, अगर अच्छे से कॉलेज से नहीं करते हो, जितनी फीस आप अच्छे कॉलेज में देते हो वो एक रूरल एरिया के किसी विलेज टाइप के कॉलेज से आप करके वो पैसा जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, उससे कोडिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, एक्चुअली में इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो एक और पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप आईटी की फील्ड में हो, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर एक्सप्लोर करने की आदत होनी चाहिए, मतलब आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए अपने आप को कि हाँ ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, और उस लर्निंग कैपेसिटी को आपको डे बाई डे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, जितना आप उसमें पढ़ते हो, जितना आपके अंदर टैलेंट होता है, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जब डे बाय डे आप अपने आप को जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या आप जो पढ़ते हो उसमें अगर आप डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते हो, तो उसमें बहुत पैसा। तो इन द सेंस मेरा मतलब है कि अपने आप को अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में आओ या जो बीसीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आपके पास पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि जब आप बीसीए कर लेते हो तो आपके पास गवर्नमेंट के चांस कम रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएशन है, बट क्या होता है ना, जब आप किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में उतरते हो, जब टेक्नोलॉजी फील्ड में आते हो ना, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर का आपको इतना इंटरेस्ट अंदर से नहीं आता, या आप उसकी तैयारी फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वही है कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, आप बेटा बीसीए में एडमिशन करा सकते हो। और आईटी की अगर बात करूँ तो बहुत इसमें पैसा है और बहुत अच्छा खासा बूमिंग करियर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।